हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। और पढ़ाई तो अच्छी खासी चल ही रही होगी, पढ़ाने में मज़ा आ रहा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर लिखा करें। और ये जो हमारे लोगों का एक जो कारवा है ये इस तरह से चलता रह रहा है, तो आप इस बात को ज़रूर आप बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेक्चर को थोड़ा लेवल हाई कर दिया जाए या लेक्चर उतना ही रहे। ये सारा पोर्शन कहीं ना कहीं आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये करना चाहिए। तो आप ये बताएं कि भाई ये लेक्चर इस तरह चल रहा है और अच्छा खासा लेक्चर है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसे बताएं, तो मज़ा आता है करके, है ना। और आप लोगों से बात किए बड़ा दिन हो गया था, तो मैं सोचा कि आपसे आज थोड़ा सा बात कर लिया जाए। बात ये कर लिया जाए कि भाई आपको फिजिक्स में फील आ रहा है कि नहीं आता। देखो बच्चों, फिजिक्स को जब तक आप फील करके नहीं पढ़ोगे तब तक फिजिक्स का पढ़ने का कोई मजा नहीं है। फिजिक्स थोड़ा सा केमिस्ट्री से डिफर होता है। आप कहोगे थोड़ा सा यार तो बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा होता है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो फिजिक्स पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ने का जो तरीका होता है उसे हम लोग बहुत ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को करने से हम लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेट टॉपिक की फील आती, आभास होता है कि वो बहुत अच्छे ढंग से हमें आ रही है कि नहीं आ रही है। वो अभी आप उस क्वेश्चन को देखते हैं, हल करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर उसमें आपको कहीं ना कहीं आप रुकते हैं और वो सही से नहीं हो पाता है, तो आपको लगता है कि भाई ये जो है कि बढ़िया टॉपिक नहीं हो पाई है, तो आपको उसमें फंसते हैं सवाल में, तो फिर आपको उसे देखते हैं उस टॉपिक को और फिर उसके बाद उसे न्यूमेरिकल को करते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा ऐसा आप न्यूमेरिकल करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा फिजिक्स की फील आएगी। फिजिक्स की फील कैसे आती है? न्यूमेरिकल से। दूसरी चीज़ कि फिजिक्स की फील एजम्पशन से आती है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे अपने मन में एक उस तरह की छाप बना लें, उसे सोचें उसके बारे में। जैसे आपको बता दूं, मैं एक गोली कोस की बात करूं कि एक गोली कोस है, उस पर आवेश वितरित है, तो आपको इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि अगर मैंने गोली कोस की बात किया तो गोली कोस क्या होगा, एक गेंद की तरह होगा जिसके अंदर खाली होगा, ये सारी चीज़ अपने अंदर फील करना चाहिए। फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी होता है पैटर्न, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी की सारी लैंग्वेज एक तरह से नहीं पढ़नी चाहिए, उसमें एक टीचर की ज़रूरत होगी, वो टीचर आपको बताएगा कि हाँ भाई इस तरह पढ़ना चाहिए। तो टीचर आपको प्रोवाइड कराए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी में जाइए उसे पढ़िए और उसके उस पोर्शन को हाईलाइट करिए, जिस पोर्शन से हमें लगे कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट सही है, तो उसमें उस पोर्शन को हाईलाइट करिए और उसको ध्यान से देखते रहिए। कुछ ग्राफ्स होंगे उसको देखिए। तो जब आप कोई एग्ज़ाम देंगे, नीट का, जेई का देते हैं, जेई एडवांस का देते हैं, तो जेई मेंस का देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही उठा के बना दिए जाते हैं, तो अगर आपको उसकी फील नहीं आई है, उसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो भाई आप उसको कैसे कर पाओगे? उस न्यूमेरिकल को तो बढ़िया कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसको न्यूमेरिकल को करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूमेरिकल के पैटर्न को बनाए रखें कि हमें एक टॉपिक हमने पढ़ा, दो टॉपिक पढ़ा या पूरा लेसन कवर किया, तो उससे मैं तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उस क्लास में आपको अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल सोचता हूँ कि आपको प्रोवाइड कराया जाए, बढ़िया कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन हो जिसको आप फील करो अंदर से कि हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है भैया, ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो वो इसमें ये चीज़ आप देखना ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, मैंने ऐसा अपने जीवन में देखा है और उस जीवन में मैं ये देखा हूँ कि जब आप को जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आप शॉर्टकट भागते हैं। शॉर्टकट फिजिक्स में ही नहीं, किसी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं। शॉर्टकट तरीका
का मतलब ये है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, डायरेक्ट आप इसको वो करना शुरू कर गए। तो जब तक उसकी बहुत अच्छे ढंग से उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते, उसके कॉन्सेप्ट को फील नहीं अंदर से आता है, पूरे अंतरात्मा झकझोरती नहीं है, तब तक वो समझिए कि उसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर बात यह है कि हम आपसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा कि लेसन खत्म हो जाएगा, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो वहाँ उसके पहले हम थोड़ा सा आपसे बातें कर लें कि पढ़ाई आपका और हमारा, उसमें से एक चीज़ फिक्स करिए, एक दिन की डेट फिक्स करिए, सैटरडे संडे जो भी, उसमें आप रखिए कि मुझे रिवाइज करना है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तो तैयारी है ही यार, बोर्ड एग्जाम तो करना ही करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, उसके साथ साथ जो आपको थोड़ी तैयारी कराई जाए अलग से, कि जिस क्वेश्चन को आप फील कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन आप अच्छे से ज़्यादा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं, अपनी किताब आपने अपने पास रखी है उस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सारे नीट वगैरह या जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, तो क्या उसमें से आप कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाई गई उससे रिलेट कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं? आपको लगेगा कि नहीं यार हमको तो सर ये आप बेवकूफ़ बना रहे हो यार, हमें तो बस एग्ज़ाम पास करना है, हम किसी तरह भाई बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लें, मुझे उसके बाद कुछ नहीं जानना, उसके बाद मैं वो कर लूँगा, बड़ा ज़्यादा पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं एकदम 20-20 घंटे पढ़ूँगा और फिर उसके बाद मैं एकदम बहुत तगड़ा हो जाऊँगा, बहुत तेज़ हो जाऊँगा फिजिक्स में, पंकज सर आप क्या बनते हैं उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स जान लूँगा, इसका कोई वजूद नहीं होता यार। आप जब आज नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा दावा है कि आप कभी भी इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। वो फील आपको नहीं आ पाई और वो फिजिक्स में बिल्कुल समझ नहीं पाए, वो फिजिक्स को आप बढ़िया से अंतरात्मा में उतार नहीं पाए, तो भाई साहब आपको जरूर एक बात ध्यान दीजिएगा कि आज नहीं तो फिर आप कल भी नहीं कर पाओगे, कल आपका मन नहीं इस पर आएगा, लगेगा कि ये हम चीज़ें छोड़ चुके हैं और हमें इस पे क्यों वापस जाएं। तो आप आज ही इस पे हो तो इसे आप क्यों नहीं बेहतर करके जाते, जब इसे आप बेहतर करके जाओगे उस पे तब बढ़िया फील होगा यार, है कि नहीं? तो बहुत सारी बातें रहती है जो मैं आपसे बहुत करना चाहता हूं, और कभी लाइव क्लास होती तो मैं आपसे बहुत बात करते, आप भी हमसे बात करते, तो हम चाहते हैं कोई भी आप कोई भी जो मुकाम चुनते हैं किसी भी, आपको मैंने बता दिया कि इसमें हम लोग बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, बीएससी की भी क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं हम। उसमें सभी बच्चों से कहना है कि जब आप उसकी फील लेंगे और उसे आप एक प्रॉपर रिविजन करेंगे, पढ़ाई तो देखो सब कर लेंगे, पढ़ाई तो आप कर लिए और उसमें लगा कि हाँ हम पढ़ लिए और हमें ये चीज़ें समझ आ गई, फिर कल को भूलना है तो आप उसमें रिवाइज करना है, आपकी रिवाइज की डेट फिक्स हो, हाँ भाई ये यही इसी दिन हमें रिवाइज करना है, डेट मीन्स डे फिक्स हो किसी दिन रिवाइज करना और श्योर रिवाइज करना, नहीं रिवाइज करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा सारी चीज़ें फेल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पढ़ाई की तरफ अग्रसर करेगी। हम जो फिजिक्स पढ़ते थे तो हमको उतना ज़्यादा नहीं वो था कि जब अभी हम सारी बुकों का स्टडी करते हैं, तब हम लोग सारी बुकों का स्टडी हम नहीं करते थे, तो जो नोट्स हमारे सर बनवाते थे उस नोट्स को हम ज़्यादा पढ़ते थे प्रेफर, और उस नोट्स को बिल्कुल एकदम मतलब तैयार रखते थे, और हमारा किसी भी हाल में उस दिन की टॉपिक छूटनी नहीं चाहिए थी, अगर अब छूट गई तो मज़ा बेकार है। मतलब मैं अगर एक दिन क्लास आ गया क्लास करके तो उस टॉपिक को मेरा मैं उसे क्लियरेंस करूँगा कि भाई मैं उसे पढ़ लूँ और उसे तैयार रखूँ, क्योंकि अगले दिन की क्लास एक और हो जाएगी तो दो क्लास कंबाइन हो जाएंगी। अब थोड़ा सा हम लोग उसको उस दौर से थोड़ा थोड़ा फिजिक्स सीखे और बहुत ज़्यादा स्टडी किए, फिर अब फिजिक्स सही हो गई, अच्छी हो गई, मज़ा आता है फिजिक्स में। तो आपको इस दौर में इतनी सुविधाएँ दी जा रही, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास कर रहा बच्चा, और उसके बाद फिर भी फिजिक्स उसकी लुल है, बिल्कुल फिजिक्स में वो कुछ नहीं कर पा रहा है, फिजिक्स उसे समझ ही नहीं आ रही, भेजे में घुस ही नहीं रही है, वो तो बस जाता है अपने सर के पास, बस लिखने चला जाता है कि उसे नोट मिलनी चाहिए, किताब उठाए बस किताब की पूरी लैंग्वेज छाप ली, काम हो गया भैया, उसको क्या फायदा यार उसको करके, कोई मतलब उसका है ही नहीं। जब आप उसको अंतरात्मा से उसको सीखेंगे, उसके सीखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आता है, आपका दिमाग बड़ा डाइवर्ट होता है। अगर आप ये सोचो कि भाई हमको केवल सुबह पढ़ना है, सुबह 4 बजे जग के पढ़ना है, सुबह भाई 4 बजे जब जगोगे ना
तो आपका एक माइंड करेगा कि भैया सो जाओ यार, सुबह कल पढ़ लेंगे। तो ये करते करते आपका माइंड, जब तक आप उसको उस तरह से तैयार नहीं रखोगे, उस तरह से एकदम प्रिपेयर्ड नहीं करोगे अपने माइंड को कि नहीं भाई उसे पढ़ना है, और बर्डन लेकर नहीं, बोझ लेकर नहीं, इंजॉय करके कि उसे इस चीज़ को सीखना है, जब आपके माइंड पे सेटअप रहेगा कि हमको वो चीज़ सीखनी है, तो मैं दावा करता हूँ, यानी मैं पंकज सर आपसे दावा करता हूँ कि आपको जरूर फिजिक्स आएगी। और जिस दिन आपको लगेगा कि फिजिक्स बोझ है, उस दिन आपको फिजिक्स नहीं आ सकती, कि आप लिख कर ले लो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बातें मैंने बता दिया, बहुत सारी करनी थी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को देख के जैसे बहुत अनकंफर्टेबल फील करें। तो आई होप आपको कुछ थोड़ा मोड़ा इससे गाइडेंस मिलेगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे। तो ओके, धन्यवाद, थैंक यू।